तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और हर बार की तरह इस बार भी हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग एनिमे लवर्स हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि 2009 में रिलीज हुई फैंटेसी ड्रामा एनिमे ग्विन सेगा, इसकी सीजन 1 की जो सभी 26 एपिसोड है वो हिंदी डब में जी कैफे पे 24 फरवरी से दोपहर 2 बजे से देखने को मिल जाएगी। और बता दो कि इस एनिमे को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ट्रेलर वगैरह को यूट्यूब पर चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमारा अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स की वन मतलब फर्स्ट एनिमे फीचर फिल्म प्लूटो से, जो बेस है इसी नाम के मंगा पे। तो नेटफ्लिक्स ने इसकी फर्स्ट लुक को रिवील कर दिया और साथ में ये भी कंफर्म कर दिया कि आपको ये साइंस फिक्शन एनिमे है वो इसी साल नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। और अपडेट के मुताबिक इसकी जो रिलीज डेट है वो इस साल होने जा रही एनिमे जापान 2023 में अनाउंसमेंट हो सकती है। तो जो भी हो आपका ये एनिमे है वो हिंदी में देखने को मिल सकता है नेटफ्लिक्स पर। फिलहाल अभी इसकी इंटरनेशनल डबिंग है उसे स्टार्ट नहीं किया गया है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग क्राइम मिस्ट्री एक्शन टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि 2017 में जीवी MBC की द गार्डियंस इसकी हिंदी डब की सभी एपिसोड है वो आप सभी को प्लेफ्लिक्स पर 24 फरवरी से देखने को मिल जाएगी। तो हमारा अगला अपडेट है साउथ कोरिया की अपकमिंग लो के ड्रामा डाइवोर्स अटर्नी सीन्स है। जी हाँ गाइस, इसकी इंटरनेशनल राइट से उसे नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया है और आपको इसकी सीजन 1 की जो सभी 12 एपिसोड है वो 4 मार्च से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी सैटरडे टू संडे। और इसकी हिंदी डब की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है तो आपको ये ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। तो हमारा अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स की फायरफ्लाई लैंड की सीजन 2 की पार्ट 2 से। जी हाँ गाइस, इसकी पार्ट 2 थी वो इस साल जून के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब अपडेट आ रही है जिसके मुताबिक आपको इसकी पार्ट 2 की सभी एपिसोड है वो इसी अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी। जी हाँ, 27 अप्रैल को आपको इसकी सीजन 2 की पार्ट 2 की सभी एपिसोड है वो हिंदी डब में नेटफ्लिक्स इंडिया पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी हो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है 2020 में रिलीज हुई MBC की रोमांटिक ड्रामा फाइंड मी इन योर मेमोरी से। जी हाँ गाइस, इसकी हिंदी डबिंग का वर्क है उसे स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपको इसकी हिंदी डब एपिसोड है वो प्लेफ्लिक्स पे मार्च या अप्रैल तक देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप रोमांटिक के ड्रामा टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आप इस के ड्रामा के लिए वेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।